जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर क्लास में। तो आज 27 जुलाई से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आज हम देखते हैं। तो हमारे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब हम बताएंगे कब मनाया गया है, ये मनाया गया 26 जुलाई को। कब मनाया गया है? 26 जुलाई को। नेक्स्ट होगा कि हाल ही में RBI ने किस देश के सबर बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। तो किस देश ने दी है? तो ये दी है रूस ने। किसने दी है? रूस ने। नेक्स्ट होगा कि हाल ही में कौन भारत की पहली कैनविन मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा जम्मू। कौन करेगा? जम्मू। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अश्विनी देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो किस राज्य की हैं? तो उनको किया है बिहार राज्य की। किसको किया है? बिहार राज्य की। नेक्स्ट हुआ, हाल ही में ब्रिक्स शहरीकरण फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरियंट कहाँ मिला है? तो ये मिला UAE में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? डॉक्टर थानी अल जायोदी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेन गोंगसेंग किस देश की केंद्रीय बैंक के ने नए गवर्नर बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं चीन के। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा गोवा। हाल ही में जस्टिस आशीष जितेन देसाई ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इन्होंने ली है केरल राज्य के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे टाटा मोटर्स ने अध्यक्ष CDIO नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? एक राजेश कन्नन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया? तो किसे किया गया? एक किया गया है नागालैंड को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बने? तो ये बने हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्मार्ट सिटी रूप में सेफ सिटी ऐप शामिल करेगी? तो कौन करेगी? ये करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों, अगर हमारी करंट अफेयर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।